हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निकी एंड वेलकम टू माय चैनल। तो गर्मी आ गई है और गर्मियों के साथ साथ आ गई है खूब सारी धूल धक्कड़, पॉल्यूशन, इरिटेशन। टुडे आई एम गोना शेयर सम कूल समर हैक्स जो कि मैंने अपनाए हैं एंड दिस विल कॉस्ट यू 0 रुपीज़ बिकॉज मैंने बहुत ही कम बजट में ये सारी चीज़ें की है। एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस दैट बेल आइकन नेक्स्ट टू इट सो दैट कि जब भी मैं दूसरा वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और ऑल्सो कमेंट डाउन बिलो आपका कौन सा फेवरेट हैक है इन सब में से। या लेट्स बिगिन विद द वीडियो नाउ। इस गर्मी में हम ह्यूमंस ही नहीं बल्कि एनिमल्स, प्लांट्स भी बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और ये प्लांट्स बेचारे खुद ब खुद कहीं मूव भी नहीं कर सकते। तो इट्स वेरी नेसेसरी टू ऐड सम शेड टू योर प्लांट। तो अगर आप भी मेरी तरह रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं और पैसा खर्चा नहीं करना चाहते हैं तो यूज़ योर ओल्ड बेडशीट्स। जी हाँ, अपने ओल्ड बेडशीट को चारों कोनों में बांध दीजिए एंड आपका शेड रेडी हो जाएगा और आपके प्लांट भी खुश हो जाएंगे और आपके घर में भी ठंडक बनी रहेगी। और हो सके तो अपने आसपास के एनिमल्स, बर्ड्स के लिए एक बाउल में पानी भर के ज़रूर रखिए। नाउ फॉर द नेक्स्ट हैक, अगर आपके घर में भी अभी तक शेयर कर्टन्स लगे हुए हैं तो इट्स टाइम टू चेंज। ब्लैकआउट कर्टन्स लगाने का टाइम आ गया है। अगर आप भी लेने का सोच रहे हैं तो रुकिए, ये वीडियो आपके लिए ही है। तो आपको करना क्या है कि जो भी आपके घर में कर्टन्स पड़े हुए हैं उन सबको आपस में एक साथ रॉड में डाल देना है, जस्ट लाइक दिस। तो यहाँ पर मैंने जो ऊपर का जो फ्रंट का कर्टन है वो मैंने थोड़ा सा मोटा रखा है और पीछे का हल्का भी चलेगा। तो 2-3 कर्टन्स ऐसे आप एक साथ रॉड में डाल के लगा सकते हैं। मेक श्योर करिएगा कि जो फ्रंट का जो कर्टन है वो आपके डेकोर से मैच करता हो एंड वोला, आपका ब्लैकआउट कर्टन्स रेडी है। नाउ फॉर द नेक्स्ट हैक, ऐड ग्रीनरी टू योर होम। तो मेरे बोलने का मतलब ये है कि ऐड इंडोर प्लांट्स टू योर होम। इससे आपके घर में बहुत ज़्यादा ठंडक बनी रहती है, आँखों को सुकून मिलता है एंड दिस इज़ द मोस्ट इनएक्सपेंसिव वे टू ऐड ग्रीनरी टू योर होम। तो अगर आप बिगिनर हैं तो आप 2-3 ऐसे प्लांट्स हैं जो कि आप अपने घर में लगा सकते हो और उसको मेनटेन करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है, जैसे कि मनी प्लांट हो गया, आपका ZZ प्लांट है, स्नेक प्लांट, एलोवेरा। अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं तो सोफ़ा कवर इज़ वेरी नेसेसरी लगाने का, बिकॉज बहुत ज़्यादा गंदा करते हैं। तो अगर आपके पास भी अभी मोटे वाले कवर्स लगे हुए हैं तो इट्स टाइम टू चेंज नाउ। तो आप जो पतले वाले कॉटन के सोफ़ा कवर्स होते हैं वो आप यूज़ कर सकते हो, बट अगर आप मेरी तरह भी पैसे खर्चे यहाँ नहीं करना चाहते हो तो यू कैन यूज़ योर डाइनिंग टेबल का कवर। तो ये मेरा डाइनिंग टेबल का कवर रखा हुआ था एंड दिस इज़ गोइंग विद माई थीम, तो मैंने इसको यहाँ पे यूज़ किया है एंड दिस इज़ लुकिंग परफेक्टली फाइन। ये बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि मैंने कोई कवर डाला हुआ है। तो अगर आपके पास कवर वगैरह नहीं है तो आप बेडशीट का भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। मेक श्योर करिएगा कि जो भी आप कवर लगा रहे हो वो आपके डेकोर से मैच होना चाहिए। तो अगर आपके घर में भी मोटे बल्कि रग्स वगैरह अभी भी पड़े हुए हैं तो इट्स टाइम टू चेंज नाउ। आप ले सकते हो कॉटन की दरीज, बट अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं तो इट्स टाइम कि आप अपने रग्स को हटा ही दीजिए। एक तो फ्लोर देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है, सुकून ठंडक मुझे मिलती है, मुझे तो फ्लोर पर बैठना वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अगर आप अपने घर में रग्स रख भी रहे हो तो अगर छोटे बच्चे हैं तो वो तो गंदा करेंगे ही, आपका काम भी बढ़ जाता है प्लस देखने में भी वो अच्छा नहीं लगता है, तो आप अपने रग्स को हटा ही दीजिए। आप कॉटन की दरीज अगर रखना चाहते हो तो उसको आप लगा सकते हो। सो दिस इज़ हाउ माई लिविंग एरिया लुकिंग राइट नाउ। मेरे पास जो भी एक्जिस्टिंग चीज़ें पड़ी हुई थी मैंने वही सब यूज़ किया है। मैंने बहुत सारी ग्रीनरी ऐड की है, बहुत सारे प्लांट्स लगाए हैं। तो गर्मी आ गई है और हम सभी का नींबू पानी पीने का बहुत ज़्यादा मन होता है, बट नींबू का प्राइस देखा है, आसमान छू रहा है, पेट्रोल के प्राइस से भी ज़्यादा बढ़ गया है। तो करें क्या, सिंपली आपको करना क्या है, जैसे हम नींबू पानी बनाते हैं ना, बस मैंने यहाँ पे ग्लास ले लिया, इसमें पानी दे दिया है और इसमें मैंने शुगर ऐड कर लिया है। अब इसको अच्छे से डिज़ोल्व कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पर लिया है सिट्रिक एसिड का पैकेट। तो ये वाला जो पैकेट है ये आपको कोई भी ग्रोसरी स्टोर में मिल जाएगा, जस्ट 36-37 रुपीज़ का आता है। बस इसे मैं ऐड करूँगी जस्ट अ पिंच ऑफ इट, बहुत ज़्यादा ऐड मत करिएगा बिकॉज बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाएगा। एंड एंजॉय योर नींबू पानी, है ना परफेक्ट आइडिया, ज़रूर ट्राई करिएगा एंड आके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा।
आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो कॉमेंट डाउन बिलो कि आपका फेवरेट हैक कौन सा था। एंड आई विल सी यू सून। टिल देन टेक केयर, बाय।